नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त ज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक अलग तरह की ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और जिसके वजह से प्रोडक्शन में कैसा प्रॉब्लम, मतलब प्रोडक्टिविटी कैसी कम हो जाती है उसके बारे में। तो बहुत ही अजीब तरह का है, मैं आपको पढ़ के ही बताऊंगा। कुछ दिन पहले मेरे पास में ये जो लड़का आया था, तो उसका यह है कि भाई मुझे ऐसा बार बार विचार आता है कि लोग मुझे, मेरे से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, लोग नहीं कर सकते। मैं क्या समझा एक्चुअली कि ये नहीं कर सकता, ऐसा मुझे मतलब दिमाग में आया, सुना ही आया, क्योंकि काफी लोगों की कंप्लेंट है कि मैं लोगों से आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। इसका प्रॉब्लम था कि लोग मेरे से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, और मुझे बार बार विचार ये आते कि लोग मेरे से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर ये विचार जब आते हैं कि लोग मेरे से आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो बोलता कि फिर मैं लोगों के साथ में रह सकता, क्योंकि मेरे आंखों से, मेरे में से ऐसा कुछ तभी होता होगा उनके तरफ में जब देखता हूं तब, कि वो उनकी नजर नीचे गिरा डालते। मेरे में कुछ ऐसी एनर्जी होंगी, मेरे आई कांटेक्ट में ऐसी कुछ प्रॉब्लम होंगी, और इसके वजह से ऐसा होता होगा, पता नहीं। एंड ही वॉज नॉट श्योर, वो कोई ऐसा पक्का नहीं था उसका, और ऐसा बोलता कि मेरे आंखों में से कुछ एनर्जी आती होंगी इसलिए वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते होंगे। मगर विचार कौन सा है बार बार आने का कि लोग मेरे से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, है ना। और वो जो है कि भाई लोगों की नज़र जो है, लोगों की नज़र, वो नज़र मेरे नज़र से मिल सकती ही नहीं, तो फिर मैं लोगों के साथ में कैसा रहूँ, लोगों के साथ में कैसा काम करूँ। तभी उसने लोगों ऑफिस में जाना बंद कर दिया, वो आईटी कंपनी में था, लोगों से मिलना बंद कर दिया, और फिर घर में बैठा हुआ है। बोले बार बार वो विचार आता है कि भाई लोग मेरे से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, लोग मेरे से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, मैं लोगों के साथ में रहूँ कैसा। लोग मेरे तरफ जब देखते हैं तो उनका ईगो डाउन हो जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। मैं कुछ तभी ऐसा हूँ आज व्यक्ति कि वो मेरे से बात भी नहीं कर सकते बराबर, मतलब इस तरह का उसका बार बार विचार थे। सब तरह की दवाई उसने करके देखी, सब तरह का इलाज हो गया, मगर फायदा नहीं हो रहा है। मैं बोला कि भाई ये ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव थॉट्स आते रहते हैं, और आप फिर कंपल्शन भी है कि भाई फिर आप उसके ऊपर एक्शन भी करते, घर बैठ जाते, जाते नहीं है। तो मैंने उसको एंटी ऑब्सेसिव मेडिकेशन दिया, हिप्नोथेरेपी दिया, साइकोथेरेपी दिया, और वो धीरे धीरे उसके समझ में आया कि उसका थॉट जो था वो रिपीटेडली इरेलेवेंट थॉट है, बार बार आ रहा है, और उसको मालूम था कि बार बार आने वाला थॉट है और वो सच्चा नहीं है। तो उससे उसको काफ़ी फायदा हुआ। एक अलग तरह की ओसीडी है ये, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और जो बाकी ओसीडी जैसी है मगर एक अलग तरह का प्रेजेंटेशन है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ओसीडी जो ऑब्सेशन, ये कुछ भी मतलब रूप ले सकते हैं, कुछ भी विचार आ सकते हैं। इसमें देखना यह है कि बार बार विचार आ रहे क्या, फिर नकारात्मक विचार होंगे, नेगेटिव थॉट बार बार आ रहा, और वही थॉट फिर वो थॉट निकल जाता है, फिर एक आध दूसरा थॉट आ जाता है, फिर दूसरा थॉट आ जाएगा, फिर वही आते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम पिक्चर देखते नहीं है, क्योंकि पिक्चर देखा एक बार, सिनेमा देख लिया कि बार बार 2-3 दिन तक वही चलते रहेगा दिमाग में, वही चालू, इसलिए उन्होंने पिक्चर देखना छोड़ दिया। क्योंकि एक कोई भी थॉट अंदर घुस गया, काम खलास, फिर वो उनका कुछ बाकी काम सुझता नहीं, उनको काम ही नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की है, उसका इलाज हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सफरिंग ज़्यादा है, बहुत सफरिंग है, तकलीफ ज़्यादा होती है, लोग काम नहीं कर सकते, तो दवाई लेना जरूरी है। हिप्नोथेरेपी से और साइकोथेरेपी से अच्छा हो जाएंगे। आपको भी अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, स्पेशली आपके आजू बाजू वाले नकारात्मक सोच वाले जो लोग हैं ना, उनको करो शेयर, जो बोलते कि हमको बार बार विचार आते रहते, अच्छे हो जाएंगे, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार, अकेले हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।